हुई थी और आज से हम लोग श्रीमद् भागवतम चालू करने वाले हैं। तो उससे पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोमीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सागना रघुनाथामितं तं सदीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागना ललिता श्रीविशाखामितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णापेष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नाम्ने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पद्रुवेशा कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्याय नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपसा गुप्ता कंत राधा कंत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलाचल निवासाय नित्य परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हमारी भगवत गीता हो गई थी और आज से हम लोग श्रीमद् भागवतम चालू करने जा रहे हैं। तो श्रीमद् भागवतम को कृष्ण का ही अवतार कहते हैं। जैसे भगवान की विग्रह हैं, आप जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ के दर्शन लेने जाते हैं या फिर बद्रीनाथ में बद्री विशाल के दर्शन लेने जाते हैं, तो जगन्नाथ में और जगन्नाथ की विग्रह में कोई अंतर नहीं है। जब जगन्नाथ की विग्रह को भोग लगाते हैं तो जगन्नाथ उसको ग्रहण करते हैं। तो साधारण लकड़ी नहीं है, वो भगवान स्वयं है। उसी तरह से जो हमारे राधा गोविंद जी हैं अल्बर्ट रोड में, वो भी कृष्ण स्वयं है, वो पत्थर नहीं है। उसी तरह से श्रीमद् भागवतम को भगवान कृष्ण का अवतार कहा जाता है। और ये श्रीमद् भागवतम व्यासदेव ने सारे वेदों को लिखने के बाद लिखी है। तो वेदों का जो सार है वो व्यासदेव ने वेदांत सूत्र के रूप में दिया हुआ है। तो वेदांत का मतलब है वेदों का अंत, मतलब वेद का मतलब होता है ज्ञान और ज्ञान का अंत। तो सारे ज्ञान का सार व्यासदेव ने वेदांत सूत्र में दिया हुआ है, सूत्र रूप में दिया हुआ है। किंतु साधारण लोग क्योंकि ये सूत्र नहीं समझ पाएंगे, इसलिए व्यासदेव ने क्या किया, उसके ऊपर टिप्पणी की है, टीका लिखा हुआ है। तो स्वयं व्यासदेव ने अपने ही वेदांत सूत्र पर जो टीका लिखी है उसको श्रीमद् भागवतम कहते हैं। इसलिए जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम समझ जाता है वो सारे वेदों का सार समझ जाता है, अन्य किसी पुस्तक की आवश्यकता नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी श्रीमद् भागवतम को उन्होंने एक विशेष स्थान दिया है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमार्थ महान। श्रीमद् भागवतम सबसे बड़ा प्रमाण है, अर्थात किसी और वेद शास्त्र में कुछ और दिया है, श्रीमद् भागवतम में अगर कोई भिन्न चीज दी हुई है तो किसकी बात माननी चाहिए, श्रीमद् भागवतम की। क्योंकि व्यास देव ने अपने पूरे जीवन का अनुभव श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है। तो हम लोग एक एक करके श्रीमद् भागवतम के श्लोकों में जाएंगे। आज हम पहले श्लोक से चालू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादि यस्य तो अन्वयादि धृतः सार्थे सुअभिज्ञा स्वराट तेन ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारी मृदाम यथा विनमयो यत्रति सर्गो अमृसा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकं सत्यं परम धीमहि। तो श्रीमद् भागवतम के शुरुआत में ही व्यासदेव क्लियर कर देते हैं
कृष्ण की क्या पोजीशन है, कृष्ण की क्या स्थिति है। तो वो क्या कहते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मैं वासुदेव अर्थात वसुदेव के पुत्र कृष्ण को प्रणाम करता हूं। उससे वो श्रीमद् भागवतम की शुरुआत करते हैं और फिर उसके बाद में कहते हैं जन्म आदि अस्य यतो, उन कृष्ण से इस सृष्टि का जन्म हुआ है। और जन्म आदि का मतलब है सिर्फ मात्र जन्म नहीं हुआ है, कृष्ण ही इस सृष्टि को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, भरण पोषण करते हैं सृष्टि का, और वो ही क्या करते हैं अंत में उसका विनाश करते हैं। तो जन्म आदि अस्य तो, और फिर वो बोलते हैं अन्वयाद इतरेशु चार्थेशु अभिज्ञासुरा। तो अन्वयाद इतर का मतलब क्या है, सीधे सीधे या फिर टेढ़े तरीके से, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो सीधे सीधे या फिर किसी और चीज के माध्यम से कृष्ण इस संसार में क्या करते हैं अभिज्ञा, वो सब कुछ जानने वाले हैं। हम अपने शरीर के बारे में और कुछ चीजों के बारे में सीमित रूप से जानते हैं, जैसे कई बार हमको यह भी पता नहीं होता है कि शरीर में क्या चल रहा है, इसलिए हमको डॉक्टर की आवश्यकता होती है, और डॉक्टर को भी पता नहीं होता है इसलिए वो क्या करते हैं ईसीजी अलग अलग टेस्ट देते हैं जानने के लिए। लेकिन कृष्ण कौन है, जिनको हर चीज के बारे में पता है, हमारे शरीर के बारे में पता है और इस ब्रह्मांड के कोने कोने के बारे में पता है। तो कृष्ण को हर चीज के बारे में पता है, इसलिए कृष्ण का एक नाम क्या है अभिज्ञा, उनको अभिज्ञ बोला गया है। अभिज्ञ का मतलब क्या है, वो सब कुछ जानने वाले हैं। और क्यों जानने वाले हैं, क्योंकि उन्हीं की सृष्टि है। जैसे जो व्यक्ति जिस घर का मालिक है उसको उस घर का कोना कोना पता रहता है, कौन सी जगह क्या रखा हुआ है, उसी तरह से क्योंकि कृष्ण ने स्वयं इस संसार की सृष्टि की है इसलिए वो भी सबको जानने वाले हैं। तो अभिज्ञ है, वो सब जानते हैं। और दूसरा शब्द जो उन्होंने इस्तेमाल किया है वो है स्वराट। स्वराट का मतलब क्या है, कृष्ण पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, हम भगवान पे निर्भर करते हैं। कैसे निर्भर करते हैं, यदि भगवान हमको आंख नहीं देंगे तो हम देख नहीं सकते हैं, यदि भगवान सूर्योदय नहीं कराएंगे हम नहीं देख सकते हैं, हम या फिर रात को चंद्रमा की रोशनी नहीं देंगे या बिजली नहीं देंगे तो हम नहीं देख सकते हैं। तो हम निर्भर हैं भगवान पर, लेकिन भगवान किसी पर निर्भर नहीं है, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, जो चाहे करना चाहे कर सकते हैं। इसलिए साधारण जीवों को बोलते हैं डिपेंडेंट एंजॉयर्स, हम अपने भोग के लिए भगवान पे निर्भर करते हैं, और कृष्ण को कहते हैं इंडिपेंडेंट एंजॉयर, वो भोग करने के लिए किसी पर निर्भर नहीं करते हैं, वो जो चाहे कर सकते हैं। इसलिए उनको क्या बोला गया है, स्वराट। और फिर कुछ लोग बोल सकते हैं कि नहीं 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 नहीं, इस संसार की सृष्टि तो ब्रह्मा जी ने की है और ब्रह्मा जी ही सबको जानने वाले हैं, क्योंकि उनको परमपिता कहा जाता है, तो इसलिए वो आगे क्या बोलते हैं, तेने ब्रह्मा हृदय या आदि कवि, जो इस सृष्टि के आदि कवि हैं अर्थात सबसे पहले जानने वाले व्यक्ति हैं ब्रह्मा जी, तो उनको भी ज्ञान किसने दिया, भगवान कृष्ण ने दिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, और कहां ज्ञान दिया, हृदय में ज्ञान दिया। तो उस तरह से भगवान ही हृदय में क्या करते हैं, ज्ञान देते हैं, तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवि है। मुह्यंती यत सूर्या, तो भगवान सबको ज्ञान देने वाले हैं, भगवान सबको जानने वाले हैं, अभिज्ञ हैं, लेकिन उनको बड़े बड़े देवता गढ़ भी नहीं समझ पाते हैं। जैसा कि हम देखते हैं ब्रह्मा जी को ज्ञान किसने दिया, कृष्ण ने दिया, लेकिन ब्रह्मा जी भी चकित रह जाते हैं और ब्रह्म भुवन लीला के समय वो भी भूल जाते हैं कि कृष्ण ही भगवान है, तो वो भी मुंह में पड़ जाते हैं।
इंद्रदेव मुंह में पड़ जाते हैं और वृंदावन को डुबोने का प्रयास करते हैं, तब कृष्ण भगवान क्या करते हैं, गोवर्धन को उठाते हैं। शिवजी भ्रम में पड़ जाते हैं और वाणासुर संग्राम के समय वाणासुर के साइड से युद्ध करने लगते हैं। जब वाणासुर को वो बचा नहीं पाते हैं, वाणासुर के हजार हाथ की जगह मात्र चार बचते हैं, बाकी सबकी भगवान कटिंग कर देते हैं, ट्रिमिंग कर देते हैं, तब शिवजी को याद आता है, अरे अरे अरे, अरे हम तो भूल गए थे ये भगवान है। तो इसलिए उस तरह से वो बड़े बड़े देवताओं को भी मुंह में डाल देते हैं, मुह्यंती यद सूर्या, किस तरह से वो डालते हैं उसका उदाहरण दिया गया, तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो अमृतसर। तो कैसे डालते हैं, तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो। तो कभी कभी क्या होता है, जब हम भूमि पे चल रहे हैं या फिर रोड पे चल रहे हैं, खासकर रेगिस्तान वाले एरिया में चलते हैं, तो वहां पर मृग तृष्णि दिखाई देती है, अर्थात मिराज, ऐसा लगता है कि वहां पानी है पर पानी होता नहीं है। तो उस तरह से व्यक्ति मोह में फंस जाता है और सोचता है कि वहां पर पानी है जबकि पानी नहीं होता है। उसी तरह से जब अग्नि जलती है तो अग्नि में कभी कभी व्यक्ति को अपना ही मुंह दिखाई देता है, लगता है उसके अंदर पानी है पर उसके अंदर पानी होता नहीं है। तो इस तरह से इस संसार में हर व्यक्ति भ्रम में पड़ जाता है, और वो बड़े आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि देवता लोग भी भ्रम में पड़ जाते हैं। तो वो उदाहरण दिया गया, क्योंकि बाकी सब लोग माया के अधीन है और कृष्ण को मायाधीश कहा जाता है, वो माया के क्या है, अधीक्षक है, माया को कंट्रोल करने वाले हैं। तो इसलिए हम लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, माया में फंस जाते हैं, कृष्ण माया में फंसते नहीं है। यत्र त्रि सर्गो अमरसा, तो यत्र त्रि सर्ग, तो तीन जो सर्ग हैं, सर्ग का मतलब होता है सृष्टि, तो ये सृष्टि पूरी की पूरी तीन गुणों से बनी हुई है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, ये लेकिन ये तीनों के तीनों गुण कृष्ण के अधीन हैं, हम उन तीन गुणों के अधीन हैं। इसीलिए हम में और भगवान में जमीन आसमान का अंतर है, और फिर उनके बारे में बताया गया है कि धामना स्वेन सदा निरस्त को हुकम, लेकिन भगवान क्या करते हैं, अपने धाम के साथ में, वृंदावन धाम के साथ में, धाम का मतलब रूप भी होता है, अपने मनमोहक रूप के साथ में इस संसार में जब प्रकट होते हैं तो सभी लोगों का जो भ्रम है वो इस संसार के भ्रमों से ऊपर है, उसका इस संसार के भ्रमों से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो इस तरह से गोलोक वृंदावन में और इस संसार में ये अंतर है। तो जो आध्यात्मिक जगत है वो तीनों गुणों से ऊपर है, और हमारा जो जगत है ये भौतिक जगत, ये तीनों गुणों से कैसे रहता है, आच्छादित रहता है, तीनों गुणों से प्रभावित रहता है। तो ये आध्यात्मिक जगत में और भौतिक जगत में क्या है, अंतर है, भेद है। और सर से जो भगवान का रूप भी है वो भी कैसा है, आध्यात्मिक है, वो भौतिक नहीं है। तो भगवान के रूप में, भगवान के धाम में और इस जगत में अंतर है। और जब भगवान अपने धाम के साथ में इस संसार में प्रकट होते हैं तो क्या होता है, लोगों के हर तरह के भ्रम खत्म हो जाते हैं। कई लोग हैं जो बोलते हैं भगवान नहीं होते हैं, वो अब नहीं बोल सकते क्योंकि भगवान स्वयं खड़े हुए हैं सामने सामने, उन सबके मुंह में ताला लग जाता है। तो इस तरह से भगवान
अपने बारे में जो भ्रम है उसको भी खत्म करते हैं, संसार में प्रकट होते हैं। जैसे कि जब कृष्ण भगवान राजसूय यज्ञ में उपस्थित थे तो बड़े बड़े देवतागण इंद्र चंद्र वायु वरुण ब्रह्मा इत्यादि सबके सब वहां उपस्थित थे, लेकिन जब वो कृष्ण की सुंदरता को देखते हैं तो कहते हैं इनकी सुंदरता को देख के हम एक ही समझ सकते हैं कि इनकी सुंदरता को ब्रह्मा जी ने तो नहीं बनाया है, ये ब्रह्मा की सृष्टि नहीं हो सकती है, ये कोई भिन्न सृष्टि है, वो लोग समझ जाते हैं। तो उसी तरह से भगवान जब प्रकट होते हैं तो उनकी सुंदरता को देख के, उनके शौर्य को देख के, उनकी लीलाओं को देख के किसी को ये भ्रम नहीं रह जाता कि भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं, सबको एकदम क्लियर हो जाता है। तो धामना सेदा सदा नृस्त को हुकम सत्यम परम धीमही। तो ये वेदव्यास क्या कह रहे हैं कि उन भगवान को जो संसार के सारे भ्रमों से ऊपर है मैं उन पर ध्यान करता हूं। धीमही का मतलब क्या है? ध्यान करना। उसे सिद्ध होता है कि जो पहला मंत्र है ये गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र पर ध्यान किया जाता है। पर वो ध्यान किस पे कर रहे हैं? कृष्ण भगवान पर ध्यान कर रहे हैं। तो इस तरह से पहले श्लोक में व्यासदेव एकदम क्लियर कर देते हैं कि कृष्ण ही भगवान हैं। और भगवान में और साधारण इंसान में जमीन आसमान का अंतर है। जैसे हम इस संसार में बोल सकते हैं कि हमारे पास धन है, उसके लिए हम एक उदाहरण देते हैं, उदाहरण से और क्लियर होगा। अगर मेरी उंगली में 5 अंगूठियां हैं तो ये तो तांबे की अंगूठी है जो मैं पहने हुए हूं, मान लीजिए एक में तांबे की अंगूठी है, एक में सोने की अंगूठी है, एक में चांदी की अंगूठी है, एक में सोने की अंगूठी में नीलम जड़ा हुआ है और 5वीं में सोने की अंगूठी में हीरा जड़ा हुआ है। तभी चांदी वाली बोल सकता है, चांदी वाली उंगली बोल सकती है, चांदी वाली अंगूठी है मान लीजिए वो उंगली के अंदर जाना जाती है, तो क्या बोलेगी? अरे मैं ये तांबे वाले से ज्यादा पैसे वाली हूं। सोने वाली बोलेगी मैं चांदी वाले से ज्यादा पैसे वाली हूं। नीलम वाली बोलेगी कि मैं ये सोने वाले से ज्यादा पैसे वाली हूं। और जो अंगूठे में जो उंगली है या अंगूठा है वो क्या बोलेगा? मैं सबसे ज्यादा धनवान हूं, मैं जेफ बेसोस या फिर बिल गेट्स जो भी है, कोई कोई नंबर 1 पे आता रहता है, मैं वो हूं। किंतु हाथ क्या बोलेगा? अरे 5 की 5 अंगूठियां तो मेरी हैं। उसी तरह से हमारे पास कुछ कुछ धन हो सकता है, हम लोग धनी हो सकते हैं कुछ समय के लिए और कुछ सीमा में। जैसे संसार का सबसे धनवान व्यक्ति भी ये नहीं कह सकता कि सारा धन मेरा है, लेकिन कृष्ण कह सकते हैं सारा धन किसका है? उनका है। पहली चीज। दूसरी चीज, इस संसार में धन व्यक्ति को कुछ समय के लिए मिलता है। कितने समय के लिए? एक जीवन के लिए सबसे ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं मिलता है धन। लेकिन कृष्ण के पास वो धन हमेशा हमेशा के लिए रहता है। तो साधारण व्यक्ति की भगवान से कभी भी तुलना नहीं की जा सकती है, संभव ही नहीं है। इसको व्यासदेव स्पष्ट कर देते हैं यहां पे और बताते हैं वो भगवान कौन है। भगवान कृष्ण स्वयं है। और दूसरे श्लोक में आगे वो कहते हैं कि ये श्रीमद् भागवतम बनी किसके लिए है? धर्मा प्रोजित कैटवत्र परमो निर्मसराणाम सताम वेद्यम वास्तमत्र वस्तु सेवदम ताप त्रयोरुन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृदय अवरुद्धते अत्र कृते शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। तो कहते धर्मा प्रोजित कैटव अत्र परमो निर्मसराणाम सताम कि श्रीमद् भागवतम में जो कैटव धर्म है, कैटव धर्म मतलब चीटिंग रिलीजन, जो लोगों को मूर्ख बनाते हैं, वो कौन से धर्म है? साधारणता संसार के सारे धर्म कैटव धर्म की श्रेणी में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि साधारणता लोग धर्म करते हैं किसके लिए? अर्थ के लिए। भगवान के पास जाना है किसके लिए जाना है? पैसा कमाने के लिए जाना है।
पैसा करने से क्या होगा, पैसा कमाने से हम इस संसार के अलग अलग संसाधन खरीद सकते हैं, अच्छा खाने के लिए, अच्छा पहनने के लिए, अच्छा घूमने के लिए, और लोग सोचते हैं हम इससे आनंद भोग कर सकते हैं। लेकिन ऐसे धर्मों को यहां पर कैटव धर्म कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि इस संसार के जो भी धर्म हैं, या फिर जो लोग इस तरह से धर्म को अप्रोच करते हैं, उनको पता नहीं है कि भगवान की भक्ति में जो आनंद है इस संसार की किसी भी वस्तु में नहीं है। अर्थात आपको भगवान के पास इस संसार की वस्तु में प्राप्त करने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। मात्र भगवान के पास जाने से, भगवान की सेवा करने से, भगवान की भक्ति करने से उतना आनंद प्राप्त हो जाता है कि किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए संसार के जो अलग अलग धर्म हैं उनको कैटव धर्म कहा गया है। कहीं भी आप मान लीजिए क्रिश्चियंस में बोलते हैं, ओ दाउ लॉर्ड इन हेवन प्लीज गिव अस अ डेली ब्रेड, कि हमको अपना खाने के लिए रोटी दीजिए। अरे भगवान हाथी को खाने के लिए इतना कुछ दे रहे हैं, आपको क्यों नहीं देंगे? तो ब्रेड के लिए भगवान के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए धर्म कौन सा है? धर्म वो है जो सिखाता है कि आपको भगवान के पास क्यों जाना है, मात्र उनकी सेवा करने के लिए और अपने उस रिश्ते को स्थापित करने के लिए जिसको हम भूल चुके हैं। तो हमारा सबका है भगवान के साथ एक रिश्ता है, जिसको हम भूल चुके हैं उसको वापस दिलाने वाला जो धर्म है वो असली धर्म है। तो ऐसे जो कैटव धर्म है श्रीमद् भागवतम उनका तिरस्कार करती है, धर्मा प्रदित कैटवत्र परमो। और फिर ये किसके लिए बनी है भागवतम? निर्मत सराणाम सताम, उन भक्तों के लिए बनी है जिनके हृदय में द्वेष भावना नहीं है, कपट की भावना नहीं है। मत्सर का मतलब होता है द्वेष, तो जिनके अंदर द्वेष नहीं है उनके लिए बनी हुई है। तो किसी के मन में प्रश्न आ सकता है कि भाई हमारे हृदय में तो बहुत द्वेष है। तो आगे बताते हैं श्रीमद् भागवतम में ही कि अगर आपके हृदय में द्वेष भी है चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो द्वेष खत्म हो जाएगा। तो जो द्वेष है तो श्रीमद् भागवतम का नित्य अध्ययन करने से भी हृदय से काम क्रोध लोभ द्वेष सब खत्म हो जाता है। लेकिन इसका पूर्ण रूप से आस्वादन कौन कर सकता है? जो द्वेष से मुक्त है। फिर उसमें बताते हैं वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु सिविदम। इसमें श्रीमद् भागवतम में अन्य चीजों से और जो वास्तव चीज है उसमें एकदम डिफरेंस बताया गया है। अर्थात क्लियरली बताया गया है कौन भगवान है कौन भगवान नहीं है, क्या हमको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, व्यक्ति की क्या जिम्मेदारियां हैं क्या जिम्मेदारियां नहीं है। कई बार बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ने के बावजूद भी लोग कंफ्यूज रहते हैं, श्रीमद् भागवतम अगर आप पढ़ेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा, ये गारंटी है। तो सीधी सीधी बात है, श्रीमद् भागवतम बताया जाता है कि हम सबको भक्ति करना चाहिए और किसकी भक्ति करनी चाहिए? कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, जिसके द्वारा हम कृष्ण से अपना संबंध वापस स्थापित कर सकते हैं। तो माया क्या है और वास्तव क्या है, इन दोनों में फर्क कौन करता है? श्रीमद् भागवतम। और इसलिए उसको शिवदम कहा गया है। शिवदम का मतलब क्या है? सब किसी के लिए शुभ है ये श्रीमद् भागवतम, सबके लिए कल्याणकारी है श्रीमद् भागवतम। क्योंकि इस संसार में जब हम किसी के लिए कल्याण करते हैं तो किसी और का कल्याण खत्म हो जाता है। जैसे हम किसी को भोजन कर रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, तो किसी और जीव जंतु के लिए हो सकता है वो भोजन ना बचे। हम किसी एक देश को अगर कुछ हथियार सप्लाई करते हैं तो जो पड़ोसी देश है वो भयभीत हो जाता है। तो अगर हम किसी का वेलफेयर करते हैं किसी और का वेलफेयर रुक जाता है, किसी का कल्याण रुक जाता है। श्रीमद् भागवतम के द्वारा हर किसी का कल्याण होता है, बोलने वाले का कल्याण होता है, सुनने वाले का कल्याण होता है, अध्ययन करने वाले का कल्याण होता है, और जो उसका पालन करता है उसका तो कल्याण एकदम ही निश्चित है। तो शिवदम। और ये श्रीमद् भागवतम क्या करती है? ताप त्रयो उन्मूलनम,
तो इस जीवन में हर किसी को तीन तरह के ताप होते हैं, मतलब तीन तरह के दुख होते हैं, आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश और आदि दैविक क्लेश। आध्यात्मिक क्लेश जो हमको अपने शरीर और मन से मिलते हैं, कई बार दुखी करने के लिए दूसरे लोगों की आवश्यकता नहीं है, हमारा मन और शरीर ही काफी है, तो आध्यात्मिक क्लेश कहलाते हैं। आदि भौतिक क्लेश जो हमको अन्य लोगों से मिलते हैं, अन्य जीव जंतुओं से मिलते हैं, उनको आदि भौतिक क्लेश कहा जाता है, जैसे आजकल कोरोना चल रहा है। और फिर आदि दैविक क्लेश होते हैं जो हमको प्रकृति से मिलते हैं, जैसे बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत सर्दी होती है, बहुत गर्मी पड़ती है लोग बोलते हैं थोड़ा बारिश हो जाए तो अच्छा है, बहुत ज्यादा बारिश होने लगती है तो लगता है अरे सब कीचड़ कीचड़ है, ठंडा आएगा जाड़े का मौसम आएगा अच्छा रहेगा, मौसम ठंडा ज्यादा हो जाता है तो लगता है अरे भाई थोड़ा टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, तो उनको बोलते हैं आदि दैविक क्लेश। और भी आदि दैविक क्लेश होते हैं, जैसे कि बाढ़ आ जाती है, सुनामी हो जाता है, हाँ अब यास आया था, ये सब के सब क्या कहलाते हैं, ये सब के सब आदि दैविक क्लेश कहलाते हैं। ये जो तीन तरह के क्लेश हैं, ये पूर्ण रूप से व्यक्ति खत्म हो जाते हैं। कैसे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवतम के अध्ययन से व्यक्ति को धीरे धीरे करके साक्षात्कार होने लगता है कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, जिसका इस जीवन से, इस संसार से कुछ लेना देना नहीं है। और जैसे जैसे व्यक्ति को वो साक्षात्कार होता है, वैसे वैसे इस दुनिया के सारे जो क्लेश हैं वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाते हैं। तो ताप त्रयोर उन्मूलनम, इसीलिए श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, इस श्रीमद् भागवतम महापुराण जो कि बहुत सुंदर है, इसको किसने किया है, किसने बनाया है, महामुनि व्यासदेव ने बनाया है, उन्होंने उसका संकलन किया है। किंवा परेर ईश्वरः, फिर किसी अन्य ग्रंथ की आवश्यकता क्यों है ही नहीं, क्योंकि सब कुछ श्रीमद् भागवतम के अंदर है। किंवा परेर ईश्वरः, और इसका नित्य अध्ययन करने से क्या होता है, सद्यो हृदि अवरुद्धते अत्र कृते वि सुश्रुषुभिः क्षत क्षणा, जैसे ही व्यक्ति ध्यान पूर्वक श्रीमद् भागवतम सुनता है, और कैसे सुनता है, नम्रता के साथ सुनता है, तो नम्रता के साथ और ध्यान के साथ यदि श्रीमद् भागवतम को सुना जाए तो क्या होता है, भगवान जल्दी ही हृदय में विराजमान हो जाते हैं। तो भगवान उसके हृदय में रहने लगते हैं जो श्रीमद् भागवतम का नियमित रूप से ध्यान पूर्वक श्रवण करता है, तो ये श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने का फल है। तो इस तरह से व्यासदेव श्रीमद् भागवतम की क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। और फिर जो अगला श्लोक है वो श्रीमद् भागवतम के और भी गुण को, गुणों की व्याख्या करता है। निगम कल पतर और गलितम फलम सुख मुखाद अमृत दव्य समृतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावका। तो निगम, निगम का मतलब है वेद, वेदों को निगम कहा जाता है। तो वेदों की तुलना यहां किससे की गई है, कल्पतरो, कल्पतरो मतलब वो वृक्ष जो सारी इच्छाओं को पूरा करने वाला है, तो उसी तरह से वेद भी सारी इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। यदि आप इस संसार में भोग करना चाहते हैं उसके लिए बहुत सारे ग्रंथ हैं, कौन से देवी देवता की पूजा करनी चाहिए, आप ठीक होना चाहते हैं तो आयुर्वेद है, भविष्य जानना चाहते हैं तो आपके पास एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष शास्त्र, और यदि आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्ञान शास्त्र है। तो इस तरह से वेदों को क्या बोला गया है, कल्पतरु अर्थात वो वृक्ष जो सारी इच्छाओं को पूरा करता है। लेकिन वृक्ष का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है वो है फल। अगर पेड़ फल नहीं दे रहा है तो पेड़ का ज्यादा लाभ नहीं है, इसलिए पेड़ फलों के नाम से जाना जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना आम का पेड़, अमरूद का पेड़,
क्योंकि पेड़ जाना जाता है फल के लिए, इसलिए पेड़ का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है फल। और फल भी पूर्ण रूप से अपना स्वाद देता है जब वो कैसा हो जाता है, गलितम अर्थात पक जाता है। तो ये जो श्रीमद् भागवतम है वो वेदों के उस पेड़ की का पका हुआ फल है। और खासकर अगर आम का पेड़ है और आम में अगर आपको तोती की चोंच मिल जाती है, तो तोती की अगर चोंच पड़ जाती है तो क्या हो जाता है, वो फल और भी मीठा हो जाता है। तो उसी तरह से क्या होता है, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने इसको चखा है श्रीमद् भागवतम को, किससे, व्यासदेव के द्वारा, व्यासदेव से श्रवण किया है उसको, और फिर उनके मुंह से क्योंकि श्रीमद् भागवतम निकली हुई है इसलिए श्रीमद् भागवतम और भी ज्यादा मधुर हो गई है। और सुखदेव गोस्वामी की विशेषता यह है कि वो राधा रानी के तोते हैं आध्यात्मिक जगत में, तो उनको पता है कि राधा कृष्ण की लीलाएं कैसी हैं, तो वो जब वर्णन कर रहे हैं तो मधुर होगी श्रीमद् भागवतम। तो अमृत द्रव्य संयुतम, और ये श्रीमद् भागवतम कैसी है, अमृत की तरह है जो आपको अमर बना देगी, अर्थात इस दुनिया में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। और कैसी है, द्रव्य है, मतलब जैसे आम का जो रस होता है वो और भी आनंद देता है, तो वो श्रीमद् भागवतम क्या है, उस द्रव्य की तरह है। इस तरह से सम्यक्तम, वो पूर्ण है श्रीमद् भागवतम अपने आप में। इसीलिए व्यासदेव सब लोगों को क्या बोल रहे हैं, पिबत भागवतम रसमाल्यम, इसलिए जो रस का आलय है, रस का घर है श्रीमद् भागवतम, उसको आप पीजिए, उसका पान कीजिए। मुहुर अहो रसिका भूवि भाव का, तो जो लोग भावुक हैं या फिर जो बुद्धिमान लोग हैं वो हमेशा इस श्रीमद् भागवतम का पान करते हैं, भले ही वो कौन हो, भले ही वो आत्माराम पुरुष हो जिनको साक्षात्कार हो गया कि हम शरीर नहीं आत्मा है, वो भी इसका आनंद लेते हैं। श्रीमद् भागवतम को बद्ध जीव ही नहीं, मुक्त जीव भी उसका आस्वादन करते हैं। अच्छा, सिद्धा का एक प्रश्न है, भगवान सबके हृदय में तो है, तो श्रीमद् भागवतम पढ़ने से कैसे हृदय में प्रवेश करेंगे। तो जैसा कि हमने बताया, श्रीमद् भागवतम भगवान का ही एक रूप है। तो भगवान, जैसे हमने बताया, विग्रह पत्थर नहीं है, भगवान स्वयं है, उसी तरह से श्रीमद् भागवतम जो कि किसके रूप में है, ध्वनि के रूप में है, तो साधारण ध्वनि नहीं है, वो कृष्ण स्वयं है। और वो जब कृष्ण कान से प्रवेश करते हैं और हृदय में होके आके विराजमान हो जाते हैं, तो कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं। तो कृष्ण कानों से प्रवेश करके हृदय में विराजमान हो सकते हैं श्रीमद् भागवतम की वाणी की तरह भी। तो इस तरह से भगवान क्या करते हैं, हृदय में प्रवेश करते हैं। तो भगवान जब सबके हृदय में, वो परमात्मा रूप में है, लेकिन जब श्रीमद् भागवतम है, श्रीमद् भागवतम भगवान रूप में, भगवान में और परमात्मा में अंतर है। परमात्मा साधारण लोगों के लिए है, तो जो साधारण जीव होते हैं उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी कौन करते हैं, परमात्मा करते हैं। लेकिन भगवान भक्तों के साथ क्या करते हैं, रिश्ता बनाते हैं। और रूप में भी अंतर है, परमात्मा चतुर्भुज रूप में है, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, और जो कृष्ण स्वयं है उनके दो हाथों का रूप है श्याम सुंदर रूप है, जिनको त्रिभंग मुरारी कहते हैं। दोनों में अंतर है, थोड़ा सा, थोड़ा नहीं, काफी अंतर है। कृष्ण हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं, परमात्मा ज्यादा आदान प्रदान नहीं करते हैं। परमात्मा हमारे साथ खेल नहीं सकते हैं, खा नहीं सकते हैं, नाच नहीं सकते हैं, कृष्ण कर सकते हैं। तो इस तरह से भक्तों के हृदय में कृष्ण प्रवेश करते हैं श्रीमद् भागवतम के वाणी के माध्यम से। ठीक है सिद्धा, ओके। तो फिर अभी हम लोग अगले श्लोक में चलते हैं, आगे चलते हैं श्रीमद् भागवतम में। तो अभी हम लोग आगे क्या करेंगे, हम श्लोक नहीं लेंगे, जहां जो मुक्त महत्वपूर्ण श्लोक है उन्हीं को लेंगे हम लोग। तो ये इस तरह श्रीमद् भागवतम की प्रशंसा करने के बाद में व्यासदेव क्या करते हैं,
अब श्रीमद् भागवतम का जो बोलते हैं बैकग्राउंड, जैसे ड्रामा में बैकग्राउंड सेट होता है, बैकग्राउंड सेट करते हैं, तो बताते हैं कि एक समय की बात है कि नैमिषारण्य का जो क्षेत्र है वहां पर शौनक आदि ऋषि इकट्ठे हुए 1000 वर्ष की का यज्ञ करने के मकसद से। तो नैमिषारण्य के बारे में थोड़ा सा हम आपको बैकग्राउंड बताते हैं, उससे थोड़ा क्लियर होगा। तो ये शौनक ऋषि सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये चंद्रवंश में आते हैं। तो चंद्रवंश और सूर्यवंश इसके जो राजा लोग हुए हैं उनको राज ऋषि कहा जाता है। तो राज ऋषि मतलब इनके अंदर राजा के गुण भी हुआ करते थे और ऋषि के भी गुण हुआ करते थे। इसलिए चंद्रवंश और सूर्यवंश से मात्र क्षत्रिय नहीं निकले हैं, ब्राह्मण भी निकले हैं, वैश्य भी निकले हैं और शूद्र भी निकले हैं, सब निकले हैं। कर्ण के जो पिता थे, मतलब जो भरण पोषण करने वाले अधिरथ, वो भी चंद्रवंश के हैं। नंद महाराज भी चंद्रवंशी है और ये शौनक ऋषि भी चंद्रवंशी हैं, किंतु ये ऋषि हुए हैं, ये ऋग्वेद में बहुत निपुण थे। तो जब उन्होंने देखा उनके कितने शिष्य थे, 88,000, तो जब उन्होंने देखा कलयुग के क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ने वाले, तो बड़े चिंतित हो गए और चिंतित होके वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से बोलने लगे, हम ऐसे स्थान पर यज्ञ करना चाहते हैं जहां पर यज्ञ करने पे सभी जीवों को लाभ पहुंचेगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं अपने चक्र को फेंक रहा हूं, ये चक्र जिस स्थान पर गिरेगा उस स्थान पे आप सब लोग क्या कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी चक्र को फेंकते हैं और वो चक्र आके इस नैमिषारण्य नामक स्थान पर आके गिरता है। उस जगह को अभी भी चक्रतीर्थ कहा जाता है। लेकिन वो चक्र जब गिरता है तो सीधे पाताल में चला जाता है और गर्भोदक सागर का जो पानी था वो ऊपर आने लगता है। लग रहा था कि पूरा का पूरा जो भूमंडल है वो ही डूब जाएगा। तो वहां पर एक देवी है, वो देवी क्या करती है, वो देवी आके उस जल को आगे जाने से रोकती है। और फिर नैमिषारण्य जो ऋषि थे वो वहां पर यज्ञ करने के लिए क्या करते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। और उनका मकसद था कि 1000 वर्ष तक लगातार यज्ञ करेंगे जिससे कलयुग वासियों को क्या हो, दुखों का सामना न करना पड़े। तो उस तरह से वो सबके सब कैसे होते हैं, एकत्रित होते हैं। लेकिन वहां पर क्या होता है, वो यज्ञ करते रहते हैं और आगे हम देखेंगे यज्ञ की धुएं से सबका मुंह तो काला हो जाता है पर उनको लगता है कि लाभ ज्यादा होने वाला नहीं है। लेकिन भगवान की कृपा से वहां पर सूत गोस्वामी आ जाते हैं। तो सूत गोस्वामी का पूरा नाम है उग्र श्रवा सूत, अर्थात वो व्यक्ति जो सुनने में एकदम निपुण है, उग्र है, निपुण है। तो वो जब वहां पे आ जाते हैं तो शौनक आदि ऋषि सब उनको आग्रह करते हैं कि आप हमको श्रीमद् भागवतम सुनाइए। तो उसके बारे में आगे आता है कि उन्होंने सब ने क्या किया, तुरंत व्यासासन दिया सूत गोस्वामी को और उनसे श्रीमद् भागवतम सुनने की इच्छा की। तो सूत गोस्वामी के गुणों के बारे में व्यासदेव वर्णन करते हैं श्रीमद् भागवतम में, त्वया खलु पुराणानि सीतिहासानि चानघ आख्यातानि अपि अधीतानि धर्मशास्त्राणि यातनि उत। तो अनघ, अनघ अर्थात है उन्होंने जीवन में कोई पाप नहीं किया था। अधीतानि, सारे शास्त्रों का अच्छे से उन्होंने अध्ययन किया था। किस किस चीज का अध्ययन किया था, पुराणानि, पुराणों का अध्ययन किया था। सा इतिहासानि, इतिहासों का अध्ययन किया था। धर्म शास्त्राणि, सभी धर्म शास्त्रों का उन्होंने अच्छे से अध्ययन किया था। ये सारी चीज उन्होंने की थी। और मात्र अध्ययन नहीं किया था, आख्यातानि, अध्ययन करके दूसरों को समझाया भी था। क्योंकि कई बार जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, जरूरी नहीं है वो अच्छे टीचर हो, लेकिन वो फर्स्ट क्लास स्टूडेंट भी थे और फर्स्ट क्लास टीचर भी थे।
और उन्होंने कोई पाप नहीं किया था, उसका मतलब क्या है? अपना उल्लू सीधा करने के लिए वहां पर वो नहीं बोल रहे थे भागवत कथा? कई बार मात्र लोग पैसा इकट्ठा करने के लिए भागवत कथा बोलते हैं, तो वैसा उनका कुछ मकसद नहीं था, मात्र दूसरों का कल्याण करने के लिए वो भागवत कथा बोलने वाले थे। तो ये उनकी गुण है। तो सूत गोस्वामी को स्वर्णकादि ऋषि कहते हैं कि आपको व्यासदेव ने जो आपको ज्ञान दिया है वो आपको पूर्ण रूप से पता है, और फिर उनके आगे भी कुछ गुण बोलते हैं। क्या गुण बोलते हैं? कि आप अनग हैं, कि कोई आपके अंदर दुर्गुण नहीं है। फिर आप कौन है? वेद वेदांत श्रेष्ठ, जो वेदांतों को जानने वाले हैं उनमें श्रेष्ठ हैं आप, सबको जानने वाले हैं। तो ये बाहरी गुण है, और दो आंतरिक गुण उनके अंदर थे। क्या? सौम्य। सौम्य मतलब बहुत ज्यादा शुद्ध, और जिसको बोलते हैं सादगी उनके अंदर थी, सिंप्लिसिटी, सादगी, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं थे। और स्निग्धस्य, स्निग्धस्य का मतलब क्या है? अपने गुरु आदियों से उन्होंने बहुत नम्रता पूर्वक सारे शास्त्रों को ग्रहण किया था। तो ये सारे सारे गुण उनके अंदर थे। उनको देख के 88,000 संत वो सबके सब उनको आग्रह करते हैं, हमको कुछ प्रश्न है, उन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो 6 प्रश्न पूछते हैं जो कि सारे के सारे पहले अध्याय में आते हैं। तो ये 6 प्रश्न इस तरह से है। पहला प्रश्न वो पूछते हैं, सभी लोगों के लिए आप वो बताइए जो कल्याणकारी है। तो कितने लोगों के लिए कल्याणकारी है? सभी लोगों के लिए कल्याणकारी है, और हमेशा के लिए कल्याणकारी है। तो जो पूर्ण रूप से हमेशा के लिए कल्याणकारी है और सभी लोगों के लिए कल्याणकारी है वो बताइए। तो ये पहला प्रश्न था, क्यों बताइए? क्योंकि कलयुग के लोग बहुत ज्यादा दुविधा में हैं। और फिर वो आगे कहते हैं कि कलयुग के क्या क्या गुण है। प्रायेण अल्पायुषा सभ्या कलो अस्मिन् युगे जनः मंद सुमंद मतयो मंद भाग्याहि उपादेता। तो प्रायेण लगभग हमेशा जो कलयुगवासी होते हैं वो कैसे होते हैं? अल्पायु, आयु बहुत कम होती है, आयु ज्यादा नहीं होती है। सत्ययुग में लोग 1,00,000 वर्ष जीते थे, त्रेता में 10,000 वर्ष, द्वापर में 1,000 वर्ष, कलयुग की शुरुआत में 100 वर्ष था, और धीरे धीरे करके वो भी आयु कम हो रही है। तो अल्प आयु, आयु बचाने की बहुत कम है। अल्पायु सा सभ्या, फिर क्या? कलाव, कलव का मतलब है कलह करने वाले हैं कलयुग के लोग, छोटी छोटी बात के लिए लड़ाई झगड़ा करना चालू कर देते हैं। आपने देखा होगा ट्रेन में कभी सीट के लिए लोग झगड़ा कर देते हैं, हमको विंडो सीट चाहिए, हमको विंडो सीट चाहिए, एक दूसरे को थप्पड़ भी जड़ देते हैं। तो बात बात पे कलह हो जाती है पब्लिक में, घर में मियां बीवी की कलह चलती रहती है, ऑफिस में बॉस की और एम्प्लॉय की कलह चलती रहती है, तो हर जगह कलह है। तो कलह है बहुत। अस्मिन युग के जना मतलब इस युग के जनों में, कलयुग में। और फिर क्या है? मंदा, कलयुग के लोग बहुत ज्यादा आलसी हैं। खासकर आप बोलिए मंदिर आइए, भागवतम सुनिए, भगवत गीता सुनिए, आलस दिखाते हैं। अभी तो फेसबुक आ गया है, इंटरनेट आ गया है, हम यहां लाइव क्लास भी करते रहते हैं, लोग कई बार लोग इतने आलसी हो जाते हैं कि वो क्लिक करने भी उनको आलस आता है, कौन क्लिक करेगा भाई, कौन सुनेगा। तो आलसी है आध्यात्मिक विषयों में। सुमंद मतया, और मान लीजिए कुछ आध्यात्मिक इच्छा भी प्रकट होती है तो चीटिंग करने वाले लोग भरे पड़े हुए हैं धर्म के नाम पे, कहते हैं हम भगवान हैं, हमारी पूजा कीजिए। तो आलतू फालतू बहुत लोग पड़े हुए हैं, ये बाबा वो बाबा। तो ऐसा नहीं सभी लोग खराब हैं, लेकिन फिर भी चीटिंग करने वाले बहुत लोग हैं, बोलते हैं हम भगवान हैं।
फिर मंद भाग्य, भाग्य कैसा है, मंद है। और उपाद्रुता, सबसे बड़ी बात क्या है, हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं। तो अगर भागवतम सुनने के लिए बैठे हुए भी हैं तो मन विचलित रहता है समस्याओं के कारण, आधी बात घुसती नहीं है दिमाग। इसलिए आप क्या करिए, इसलिए वो दूसरा प्रश्न इसी वजह से पूछते हैं, सारे वेदों का सार सुनाइए। कलयुग वासियों में सारे वेद पढ़ने की क्षमता नहीं है, आयु कम, बुद्धि कम, डिस्टर्ब्ड है, एक नंबर के आलसी है। तो सब कुछ मत सुनाइए, सारे वेदों का सार सुनाइए, जो कि सब हर किसी का क्या कर सके, भला कर सके। तो ये दूसरा प्रश्न है। तो पहला प्रश्न था कि जो सभी लोगों के लिए अच्छा है वो सुनाइए, और वो क्या होना चाहिए, दूसरा प्रश्न, वो सारे वेदों का क्या होना चाहिए, सार होना चाहिए, ये दूसरा चीज। तीसरा उनका प्रश्न था कि भगवान धीरकी के पुत्र के रूप में क्यों प्रकट हुए। तो इस संसार में कृष्ण क्यों अवतरित हुए, कुछ तो कारण होना चाहिए ना? तो हाँ, वैसे हमको पता है कि सारे के सारे जो संत लोग हैं वो भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, उसके लिए प्रकट हुए क्या, या फिर भगवान सभी जीवों का उद्धार करने के लिए प्रकट हुए? तो क्यों प्रकट हुए स्पष्ट रूप से हमको बताइए, ये उनका तीसरा प्रश्न है। और वो आगे बोलते हैं, ये बहुत फेमस श्लोक है, कि क्यों हम भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं, वो कारण बताया उन्होंने। आपन्ना संस्कृतिम घोराम यन्नाम विवशो गृणन तथा सद्यो विमुच्चेता यद्भिवेति स्वयं भयम्। तो आपन्ना संस्कृतिम घोराम, जन्म मृत्यु के चक्कर में लोग घोर रूप से फंसे हुए हैं, लेकिन ऐसे फंसे हुए लोग अगर व्यवस्था पूर्वक भगवान का नाम ले लेते हैं कि हे कृष्ण हमको बचाइए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, तो इस तरह से वो पूछते हैं। तो जब कोई व्यवस्था पूर्वक भगवान का नाम लेता है तो क्या होता है, तथा सद्यो विमुच्चेता, एक मिनट में तुरंत ही व्यक्ति कैसा हो जाता है, मुक्त हो जाता है। और यद भेवीति स्वयं भयम्, तो जिन भगवान से यमराज भी भय करते हैं, भयभीत होते हैं, वो उस व्यक्ति को पूर्ण रूप से भय से मुक्त कर देते हैं। तो इस तरह से भगवान का जो नाम है वो इतना शक्तिशाली है, तो भगवान का नाम ही इतना शक्तिशाली है तो भगवान को अवतरित होने की आवश्यकता क्या थी, क्यों अवतरित हुए, ये उनका प्रश्न है। और फिर वो भगवान की और प्रशंसा करते हैं, यद पाद समृषया सूता मुनिया प्रसमायना सद्या पुनन्ति उपस्पृष्टा स्वरधुनी आपो अनुसेवया। स्वरधुनी का मतलब है गंगा, गंगा भगवान के चरणों से निकली हुई है, विष्णु भगवान के नाखूनों से निकली हुई है। कोई उस गंगा के जल के संपर्क में आता है तो शुद्ध हो जाता है, लेकिन वो कहते हैं वो शुद्धता धीरे धीरे करके बढ़ती है, लेकिन भगवान का नाम इतनी शक्तिशाली है कि लेते ही तुरंत व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। इसलिए कहते हैं, इसीलिए हम भगवान के विषय में सुनना चाहते हैं कि भगवान के विषय में सुनते ही व्यक्ति पूर्ण रूप से कैसा हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, इसलिए सुनना चाहते हैं। अच्छा, सिद्ध के कुछ प्रश्न थे, तो सूत गोस्वामी कौन है? सूत गोस्वामी एक महान संत है जो कि रोम हर्षन सूत के पुत्र है, और उन्होंने श्रीमद् भागवतम नैमिषारण्य में 88,000 संतों को बोली है, ये उनका मुख्य परिचय है, ये सूत गोस्वामी के बारे में। और नैमिषारण्य कहाँ है? वो लखनऊ के नॉर्थ में पड़ती है नैमिषारण्य, तो हम लोग एक बार वहां पर यात्रा भी कर चुके हैं, तो अगर मौका मिलेगा तो कभी हम लोग भविष्य में चलेंगे, ठीक है। तो लखनऊ के पास में है नैमिषारण्य स्टेशन, भी आप उसमें डाल के देख सकते हैं इंटरनेट में, इंडियन रेलवे में आपको मिलेगा नैमिषारण्य स्टेशन, तो उसको नीमसार भी कहते हैं कभी कभी, पर नैमिषारण्य नाम है, ठीक है। तो इस तरह से वो कहते हैं संत लोग,
कलयुग में कृष्ण का नाम लिए बिना और कृष्ण की लीलाओं को सुने बिना इस किसी का भी उद्धार नहीं हो सकता है। तो हरि कथा और हरि नाम यही दो उद्धार के कारण है जिनके द्वारा उद्धार हो सकता है। इसलिए वो चौथा प्रश्न पूछते हैं। वो कहते हैं कि भगवान खासकर जो पुरुष अवतार हैं वो इस संसार में क्या क्या लीला करते हैं। तो पुरुष अवतार कौन है? जो तीन विष्णु है, गर्भोदक्षा विष्णु, कर्णोदक्षा विष्णु, क्षीरोदक्षा विष्णु, ये तीन विष्णु हैं। इनके बाद में डिटेल में हम बाद में बताएंगे। तो वो इस संसार का क्या करते हैं? सृष्टि करते हैं। जब महाविष्णु सांस छोड़ते हैं तो उनके एक एक रोमकूप से एक एक ब्रह्मांड निकलता है, तो वो सृष्टि करते हैं। वो गर्भोदक्षा विष्णु के रूप में एक एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। उनकी नाभि से कमल निकलता है जिसके अंदर सृष्टि होती है। और फिर वो क्षीरोदक्षा विष्णु के रूप में हर किसी के हृदय में प्रवेश करते हैं और हर अणु में प्रवेश करते हैं। और उसके द्वारा वो क्या करते हैं? मेंटेनेंस करते हैं। और जब महाविष्णु सांस ले लेते हैं तो विध्वंस हो जाता है। तो ये सब की सब उनकी लीलाएं हैं पुरुष अवतारों की। इसके विषय में वो कहते हैं कि हम लोग सुनना चाहते हैं पुरुष अवतारों के बारे में, उसके उनकी लीलाओं के बारे में बताइए। और फिर लीला अवतारों के बारे में बताइए भगवान। तो भगवान कृष्ण, भगवान नरसिंह देव, भगवान राम, ये सब के सब भगवान की लीला अवतार कहलाते हैं, जो लीलाओं के माध्यम से इस संसार में लोगों के हृदय को चुरा लेते हैं, जिसके द्वारा लोगों के मन में भगवान के साथ संबंध बनाने की इच्छा प्रकट होती है। तो भगवान यहां पे आकर एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो हम इन लीला अवतारों के बारे में सुनना चाहते हैं, ये सब के सब बोलते हैं, क्योंकि भगवान की लीलाओं को सुनने से कभी भी तृप्ति नहीं मिलती है। जितना भी सुनो मन करता है और सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। वयम चाना वित्रप्पा महा, हम लोग तृप्त नहीं है, हमको और सुनना चाहते हैं। इसलिए भगवान की लीलाओं के बारे में विस्तार से बताइए। और फिर हम आगे जानना चाहते हैं कि कृष्ण और बलराम जब इस संसार में आए तो कैसे उन्होंने अलग अलग लीलाएं की, उन सब के बारे में विस्तार से बताइए। तो हम देखते हैं लगभग 50% भागवतम कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताइए के बारे में है, क्योंकि जो दसम स्कंद है उसमें 90 अध्याय है। हर स्कंद में आप देखेंगे 9 अध्याय, 12 अध्याय, 20 अध्याय, बहुत ज्यादा हो गए 25 अध्याय, लेकिन उसमें कितने अध्याय है? 90। और 11वें स्कंद में भी कृष्ण की शिक्षाएं हैं। कृष्ण ने जो शिक्षा दी है उद्धव जी को, उसमें 30 अध्याय हैं। तो लगभग 120 अध्याय श्रीमद भागवतम के मात्र कृष्ण के बारे में ही है। तो हम उनकी लीलाओं को, कृष्ण और बलराम की लीलाओं को सुनना चाहते हैं। और संक्षेप में मत बताइए, विस्तार से बताइए वो लीलाएं, हम उनको विस्तार से सुनना चाहते हैं। और फिर वो कहते हैं कि हमारा बड़ा सौभाग्य है कि इस भाव सागर को पार करने वाली जो नाव है भगवान की लीलाएं, उसके लिए आपके जैसा कप्तान हमको मिला है, कैप्टन मिला है। तो अगर हम सागर में हैं, कोई नाव मिल जाती है और नाव का कैप्टन एक्सपर्ट है, तो सागर को बड़े आराम से हम पार कर जाएंगे। उसी तरह से अगर भगवान की लीलाओं को सुनने का मौका मिल रहा है और वक्त भगवान का अच्छा भक्त है, जो वक्ता है, जो बोलने वाला है, आराम से हम इस संसार सागर को पार कर जाएंगे। तो हमारा सौभाग्य है कि आप हमको मिले। और फिर आखिरी जो वो प्रश्न पूछते हैं कि कृष्ण जब इस संसार से वापस भगवत धाम चले गए तो धर्म ने किस चीज का आश्रय लिया। तो ये जो 6 प्रश्न है वो सोनक आदि ऋषि पूछते हैं। तो कौन कौन से 6 प्रश्न है? तो 6 प्रश्न हम लोग एक बार फिर रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न था कि संसार में हर किसी के लिए और हमेशा के लिए क्या लाभदायक है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, क्योंकि कलयुगवासियों की आयु बहुत कम है, बुद्धि बहुत कम है, बहुत आलसी हैं, तो सारे वेदों का सार संक्षेप में बताइए।
तीसरा, भगवान देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में क्यों प्रकट हुए? चौथा, पुरुष अवतार जो है तीन विष्णु, उनकी लीलाओं के बारे में बताइए। पांचवा, भगवान के लीला अवतारों के बारे में बताइए, राम कृष्ण नरसिंह इत्यादि। और छठवां जो आखिरी प्रश्न है कि कृष्ण के जाने के बाद धर्म ने किस चीज का आश्रय लिया? तो ये छह प्रश्न पूछते हैं और आगे हम देखेंगे दूसरे और तीसरे अध्याय में एक एक करके सूत गोस्वामी उन सबका क्या करते हैं, उत्तर देते हैं। तो इस तरह से पहला जो अध्याय है वो समाप्त होता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारा आग्रह है कि निरंतर जो भागवतम हमारा क्लास चल रही है उसको सुनते रहिए हर वीक 4 बजे से 5 बजे तक संडे को। तो कथा को हम यहीं विराम देते हैं। गंधराज श्रीमद् भागवतम की जय, शील प्रभुपाद की जय।